फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, माह सितंबर वर्ष 2023 में शिक्षक संकुल की बैठक होनी है और इसमें एक खास बात दोस्तों ये है कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने शिक्षक संकुल की बैठक में 100% शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि 5-point टूलकिट आखिर क्या है। ये 5 जो टूलकिट हैं, शिक्षक संकुल की बैठक में अनिवार्य रूप से इसकी चर्चा की जाएगी और इस पे काम भी होना है। तो दोस्तों, आते हैं 10 बिंदु पे पूरे के पूरे शिक्षक संकुल की बैठक होगी, जिसमें 5 टूलकिट शुरू के बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, आते हैं देखते हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक का वह पत्र जिसमें इस बात का मेंशन है कि शिक्षक संकुल की जो बैठक है उसमें शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है। दोस्तों, ये पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित है। 8 सितंबर वर्ष 2023 को ये निर्गत किया गया। विषय है माह सितंबर 2023 की शिक्षक संकुल बैठक हेतु एजेंडा एवं मंथली टास्क प्रेषित करने के संबंध में। आगे दोस्तों, इसमें बात हो रही है कि उक्त के संबंध में जनपद के समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रभावी प्रदर्शन करते हुए शिक्षक संकुल विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रतिमाह शिक्षक संकुल बैठक के आयोजन हेतु एजेंडा एवं मंथली टास्क प्रेषित किए जा रहे हैं। तत्क्रम में माह सितंबर 2023 की शिक्षक संकुल बैठकों के गुणवत्तापूर्ण आयोजन हेतु निम्नवत निर्देशित किया जाता है। अब दोस्तों, क्या निर्देशित हुआ है आइए देखते हैं। पहला बिंदु है कि शिक्षक संकुल बैठकों का माह सितंबर 2023 के संलग्न एजेंडा के अनुसार, एजेंडा की भी बात करेंगे हम नीचे, क्रमवार प्रत्येक विद्यालय में आयोजन सुनिश्चित किया जाए। दूसरा जो कि बिंदु है कि मासिक शिक्षक संकुल बैठक में सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए कि मासिक शिक्षक संकुल बैठक में सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए तथा बैठक में प्रस्तुतिकरण करने वाले शिक्षकों का रोस्टर बैठक से 1 सप्ताह पूर्व जारी किया जाए। तीसरा बिंदु है, बैठक में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या दूरभाष के माध्यम से बैठक की सूचना एवं एजेंडा आदि का प्रचार प्रसार किया जाए। चौथा बिंदु है, प्रत्येक एआरपी द्वारा न्यूनतम 1 शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभाग किया जाए। तो दोस्तों, 1 शिक्षक संकुल में एआरपी महोदय को भी प्रतिभाग करना है। 1 विकास खंड में 5 एआरपी होते हैं और मासिक शिक्षक संकुल की बैठक केवल 1 बार होती है, तो कम से कम 1 विकास खंड में जो 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, 5 शिक्षक संकुल में प्रतिभाग कर सकेंगे। और यहाँ पे दिया गया, प्रत्येक एआरपी द्वारा न्यूनतम 1 शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभाग किया जाए। इस प्रकार से जो शिक्षक संकुल रहेंगे वो उनकी प्रतिभागिता से दोस्तों ये चीज़ें अस्पष्ट हो सकेंगी, क्योंकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन मोर इन्फॉर्म्ड होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। एआरपी द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत में निपुण लक्ष्य हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए शिक्षक संकुल की बैठक में सम्मानित किया जाए। पांचवा बिंदु है, समस्त शिक्षक संकुल द्वारा माह सितंबर 2023 में निम्नलिखित मंथली टास्क पूर्ण किए जाने हैं। अब क्या टास्क पूर्ण किया जाना है सितंबर माह का? समस्त शिक्षक संकुल द्वारा अपने विद्यालय को माह दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने हेतु 5-point टूलकिट का उपयोग सुनिश्चित किया जाए, संलग्न है। दूसरा है, समस्त शिक्षकों को निपुण लक्ष्य ऐप पर लॉगिन करने व छात्रों का आकलन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। फिर तीसरा है, समस्त शिक्षक संकुल द्वारा अपने न्याय पंचायत के समस्त प्रधानाध्यापकों को निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो समस्त शिक्षक संकुल द्वारा अपने क्लस्टर के जो हेड टीचर हैं को उनको निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के उपयोग के लिए दोस्तों मोटिवेट करने की बात हो रही है।
समस्त शिक्षकों को प्रेरणा पोर्टल से डिजिटल संदर्शिका के माध्यम से कक्षाओं में नियमित कक्षा शिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अब यहाँ पे डिजिटल संदर्शिका आई हुई है, इसका प्रयोग करना है। तो समस्त शिक्षकों को प्रेरणा पोर्टल से डिजिटल संदर्शिका के माध्यम से कक्षाओं में नियमित कक्षा शिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाए। और पांचवा बिंदु यहाँ पे है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा डेटा आधारित अनुसरण सुनिश्चित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ARP एवं शिक्षक संकुल को आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश प्रदान किए जाएँ। उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करें, जिससे कि शिक्षक संकुल विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अब दोस्तों आते हैं एजेंडा पे, माहवार जो एजेंडा की बात अभी हम कर रहे थे उस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो एजेंडा है पूरा दिया गया है। पहले जो सेशन शुरू होगा, पहला पॉइंट शुभारंभ का है। बैठक के वातावरण को सहज एवं सीखने सिखाने के लिए अनुकूल बनाना है। और ये कैसे अनुकूल बनेगा, नोडल शिक्षक संकुल या ARP इसे अनुकूल बनाएंगे। और इसमें जो विशेष बात है कि बैठक में सभी प्रतिभागी समय से पहुंच जाएं, किसी भी चर्चा के दौरान गोलाकार बैठें, नोटबुक एवं पेन साथ में रखें एवं बैठक के दौरान आवश्यक सुझावों को लिखते रहें। बैठक की शुरुआत एक कविता, गीत या गेम से करें जिसमें सब भागीदार बने, ताकि एक सकारात्मक एवं सहज माहौल बन सके। ये जो बातें होनी है ये 5 मिनट का इसके लिए समय दिया गया है। इसके पीछे बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि कि जिला स्तरीय बैठक से संकुल बैठक को सुमेलित करना है। जो जिला स्तरीय बैठक होती है हर माह जिला स्तरीय ARP SRG डाइट मेंटर और खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक होती है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी निकल के आती हैं। तो उन बातों के आलोक में इन बैठक को आयोजन करना है, और कोशिश यही करना है कि जो बैठक वहाँ पे जिला स्तरीय होती है उसी के सुसंगत आप ये बैठक संकुल स्तरीय भी करें। अब यहाँ पे भी ARP का लीड रोल है, ARP इनिशिएट करेंगे। पिछली जिला स्तरीय मीटिंग के मुख्य बिंदुओं को सभी के साथ साझा करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट का समय दोस्तों बीत गया है। अब तीसरा बात हो रही संदर्भ का कि ब्लॉक स्तरीय शिक्षक संकुल के साथ की गई तैयारी, बैठक के निर्णयों से परिचय एवं संकुल बैठक के उद्देश्य से परिचय, ये नोडल शिक्षक संकुल इसमें इनिशिएट करेंगे। और उनका जो इनिशिएशन होगा, पिछले शिक्षक संकुल की बैठक के जो मेन पॉइंट हैं, चुनौतियों पर किए गए कार्य पर चर्चा, लिए गए निर्णय की समीक्षा और उसके अनुसार प्राथमिकताओं का निर्धारण। दूसरा बिंदु है शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल व क्विज में शिक्षकों की प्रगति पर चर्चा करना। जैसे पिछले शिक्षक प्रशिक्षण या दीक्षा प्रशिक्षण के 2-3 बिंदु बताएं जो आपके लिए नया था। पिछले शिक्षक प्रशिक्षण या दीक्षा प्रशिक्षण के बाद आपने अपनी कक्षा में क्या नया करने का प्रयास किया आदि। इसी में जो बिंदु आगे है, 3 बिंदु इसमें हैं, यानी तीसरे पॉइंट में भी 3 बिंदु हैं कि संबंधित माह की शिक्षक प्रशिक्षण वीडियो को सभी शिक्षकों के साथ देखना एवं वीडियो के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना। जैसे क्या आप दिखाए गए निर्देश या टूल्स का कक्षा में उपयोग करते हैं, और करते भी हैं तो कैसे करते हैं। ये 10 मिनट का शेड्यूल रहेगा दोस्तों, 20 मिनट बीत चुके हैं। अब आगे चलते हैं अकादमिक प्रयासों की शेयरिंग, ये 4th पॉइंट है। शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए किए गए प्रयासों को इसमें साझा करना है, ये शिक्षकों द्वारा होगा। यहाँ पे ARP महोदय कुछ नहीं करेंगे, नोडल शिक्षक संकुल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ टीचर करेंगे। इसमें बैठक में उपस्थित शिक्षकों ARP द्वारा पिछली बैठक की योजना के सापेक्ष किए गए शिक्षण संबंधी प्रयासों, शिक्षण पद्धतियों, रोचक गतिविधियों, नए TLM के प्रयोग आदि को सभी के साथ साझा करेंगे। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का सैंपल या वीडियो आज साझा करेंगे। और फिर उसके बाद उपर्युक्त बिंदुओं के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ सफलता के अनुभव को साझा करेंगे। ये 20 मिनट का काम है, इसमें सभी शिक्षक इस चर्चा में अनिवार्य रूप से भाग लें और किए गए प्रयासों के अभिलेख भी साझा करें। ये 20 मिनट का कार्यक्रम है। आप देख पा रहे हैं कि 20, 10, 30 और 10, 40 मिनट का कार्यक्रम हो चुका है। और आगे हम बात करेंगे, 40 मिनट के कार्यक्रम हो चुके हैं। और चौथा बात हो गई है, 5वें बिंदु पे हम आते हैं।
पांचवा जो बिंदु है उससे पहले चौथे बिंदु में ही आगे बात है शिक्षक द्वारा किया जा रहा है। चौथे बिंदु में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना है। कक्षा एक से तीन तक बात हो रही है कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2023-24 में आगामी माह के लिए शिक्षण योजनाओं के निर्माण पर चर्चा हो रही है। इसमें संदर्शिका व टीएलएम की सहायता से आगामी माह की थीम और संबंधित लर्निंग आउटकम की पहचान कर आवश्यक गतिविधियों को सूचीबद्ध की जाए। लर्निंग आउटकम और गतिविधियों की यह सूची और चिन्हित थीम संकुल स्तरीय अकादमिक योजना होगी। इससे सामग्री चुनकर दैनिक शिक्षण योजनाएं विकसित की जा सकती हैं। अब इसमें जो बात हो रही, कक्षा एक से तीन के शिक्षकों के समूह रहेंगे। कक्षा एक से तीन के शिक्षकों के जो समूह रहेंगे उसमें निर्धारित मासिक प्राथमिकताओं विषयों से संबंधित शिक्षण योजनाओं को उप समूहों में बनाया जाए और उसके क्रियान्वयन पर चर्चा किया जाए। साप्ताहिक शिक्षण चक्र पर चर्चा करना किया जाए। चर्चा के पश्चात बड़े समूहों में चर्चा के मुख्य बिंदुओं को साझा किया जाए। नोट, कक्षा एक से तीन के लिए निर्धारित मासिक प्राथमिकताएँ एजेंडा के अंत में दी गई हैं। ये 20 मिनट का समय रहेगा। 10 मिनट शिक्षण योजना का पठन निर्माण एवं 10 मिनट प्रस्तुतिकरण इसमें होगा। इसमें टीचिंग प्लान भी प्रस्तुत की जाएगी। पांचवा बिंदु है शिक्षण योजना का निर्धारण या निर्माण। ये कक्षा 4 से 8 के लिए है। निपुण लक्ष्य एवं पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखकर आगामी माह के लिए विषयवार शिक्षण योजनाओं का निर्माण। अब इसमें जो बात हो रही, कक्षा 4 से 5 के शिक्षकों का समूह रहेगा, कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का समूह रहेगा, और इसमें कक्षा 4 से 8 के शिक्षकों के समूह में विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षण योजनाओं को उप समूहों में निर्माण करना है, उसके क्रियान्वयन पर चर्चा करना, चर्चा के पश्चात बड़े समूहों में चर्चा के मुख्य बिंदुओं को साझा करना, और कक्षा 1 से 3 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से आगामी माह के लिए तैयार शिक्षण योजनाओं का प्रस्तुतिकरण और आकलन प्रपत्र। कक्षा 1 से 3 के शिक्षकों का समूह और कक्षा 4 से 5, 8 के शिक्षकों का समूह। और दोस्तों छठा बिंदु आपके सामने है, शिक्षण योजना क्रियान्वयन हेतु उपकरण निर्माण। आगामी माह में उपयोग क्योंकि किए जाने वाले शिक्षण उद्देश्यों शिक्षण योजनाओं के आधार पर टीएलएम तैयार करना एवं प्रस्तुतिकरण करना। अब आते हैं हम सातवें बिंदु पे, मासिक विषयों आधारित चर्चा होनी। अगस्त 2023 को नेट की परीक्षा हुई थी। नेट परीक्षा व निपुण लक्ष्य ऐप के द्वारा छात्रों का आकलन हुआ था। सभी कक्षा 1 से 8 के शिक्षक इसमें इनिशिएट करेंगे। नेट परीक्षा के आयोजन के पश्चात समस्त सदस्य अपने विद्यालयों की प्रदर्शन के बारे में चर्चा करें। नेट परीक्षा के पश्चात आप विद्यालय की शिक्षण योजना में क्या बदलाव लाएंगे। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों से निपुण लक्ष्य ऐप पर लॉगिन अवश्य करवा लें। 10 मिनट का यह सेशन रहेगा। आठवां टीम बिल्डिंग गतिविधि रहेगी। टीलम निर्माण प्रतियोगिता होनी है। सभी कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों की प्रतिभागिता होगी। इस प्रक्रिया में बैठक में सम्मिलित सभी कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक सम्मिलित हों। समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले टीएलएम का निर्माण किया जाए। सबसे प्रभावी टीएलएम बनाने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाए। 15 मिनट का ये समय रहेगा। और नवा बिंदु जो है जिज्ञासा या नई सीख का है। समूह के प्रश्न पत्रों का समाधान, प्रश्नों का समाधान और अनिस्तारित प्रश्नों का संकलन। एआरपी या शिक्षक संकुल इसमें लीड रोल प्ले करेंगे। शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के स्तर की चुनौतियों को साझा करना। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे विद्यालय के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के तरीके, कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के तरीके इत्यादि। शिक्षक संकुल एवं अन्य शिक्षकों द्वारा प्रश्नों को प्रासंगिक एवं व्यवहारिक समाधान इसमें बताया जाएगा। 10 मिनट का सेशन रहेगा। और अंत में जो बात हो रही है, बैठक के निष्कर्ष एवं निर्धारित कार्ययोजना पर चर्चा होगी। एआरपी शिक्षक संकुल लीड रोल प्ले करेंगे। इसमें एआरपी शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षण योजनाओं को आधार बनाकर कार्य करने, आकलन एवं पीछे छूट रहे बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य नियमित रूप से करने, बच्चों को समूह जोड़े एवं व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के पर्याप्त मौके देना, ये 5 मिनट का रहेगा। और अंत में यहाँ पे बात हो रही है शिक्षक संकुल द्वारा डीसीएफ भरना। याद रहे शिक्षक संकुल निपुण भारत मिशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी शिक्षकों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए आपकी तैयारी, शिक्षण सामग्री की समझ एवं आपके सुझावों की परिपक्वता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी जो बातें हैं शिक्षक संकुल की बैठक की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें।
अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।